महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए हो रही वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। चुनावी मैदान में कई महारथी अपनी जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में अपना सिक्का जमाने के लिए सोनिया और राहुल से रैलियां करवा चुकी है। बीजेपी का साथ छूटने के बाद शिवसेना की भी जीत की उम्मीदें बरकरार हैं, तो वहीं 15 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी अब कांग्रेस को करारा जवाब देने की तैयारी में है। महाराष्ट्र की एक एक सीट सभी पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है और इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ बीजेपी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिनों में धुआंधार प्रचार करते हुए 27 रैलियां की, वहीं कांग्रेस की तरफ से खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रचार किया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी अपनी पार्टियों के लिए कई जनसभाएं की और अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए जनता से वोट देने की अपील की। कराड दक्षिण की बात करें तो ये गढ़ कांग्रेस का माना जाता है और यहाँ विलास काका उंडालकर लगातार 7 बार जीत कर आ चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद ये बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान चुनाव मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के डॉक्टर अतुल सुरेश भोसले और शिवसेना के DY पाटिल भी हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के लिए ये गढ़ बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। बांद्रा की बात की जाए तो ये मरहूम सुनील दत्त की वजह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस का पिछले 25 सालों से इस सीट पर कब्जा है और हर साल बॉलीवुड के सितारे, जिनमें सलमान जैसे सितारे, कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करते हैं, क्योंकि इस सीट से बाबा सिद्दीकी कांग्रेस की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी ही वो शख्स थे जो शाहरुख और सलमान खान को ईद के मौके पर साथ लाए थे। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ बीजेपी के आशीष सेला, शिवसेना के चावरी विलास सीताराम और एनसीपी के आसिफ भामला मैदान में हैं। वैसे तो ये गढ़ कांग्रेस का है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बांद्रा पश्चिम सीट से प्रिया दत्त को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में ये सीट बचाए रखना बाबा सिद्दीकी के लिए बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अब बात परली सीट की। गोपीनाथ मुंडे के गुजर जाने के बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना ने यहां से उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रोफेसर TP मुंडे पंकजा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इसी तरह कुडाल से कांग्रेस उम्मीदवार नारायण राणे, बीजेपी के बाबू उर्फ विष्णु मोंडकर, शिवसेना के वैभव विजय और NCP उम्मीदवार पुष्पा सेन सावंत अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। येवला से NCP की तरफ से छगन भुजबल, शिवसेना के सुहास द्वारकानाथ कांडे, अद्वे प्रशांत बीजेपी से, सनप जयंती शिवाजी MNS से उम्मीदवार हैं। कलीना से कृपा शंकर सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, वहीं NCP के लिए कप्तान मलिक किस्मत आजमा रहे हैं। सिंह अमरजीत अवध नारायण बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मुक्तिनगर से एकनाथ खड़से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि NCP के लिए अरुण पांडुरंग पाटिल किस्मत आजमा रहे हैं। पाटिल चंद्रकांत निम्बा शिवसेना के उम्मीदवार हैं और इसी सीट से पाटिल योगेंद्र सिंह भागवान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि दिलीप पंकुले NCP के टिकट पर मैदान में हैं। पंजू कृष्णाचंद तोटवानी शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जबकि प्रफुल्ल विनोद गुडाधे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बात अगर बारामती सीट की करें तो यहां से अजीत पवार NCP के लिए मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर आकाश विजय राव मोरे मैदान में हैं। बाला साहेब उर्फ प्रभाकर दादाराम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि राजेंद्र दत्तात्रेय काले शिवसेना के टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लातूर सिटी, यहां से विलास राव देशमुख के बेटे हैं अमित देशमुख कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, जिनके खिलाफ पठान मुर्तजाखा बासित खान NCP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लहूटी शैलेश गोविंद कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पप्पू भाई उर्फ श्रीपद कुलकर्णी शिवसेना के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा बड़े चेहरों में तास गांव से NCP नेता RR पाटिल, सोलापुर मध्य सीट से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री
सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे, मुक्ताईनगर से बीजेपी के एकनाथ खड़से हैं, तो औरंगाबाद से राजेंद्र दर्दा चुनावी मैदान में हैं।